तो राष्ट्रीय जनवादी क्रांति का काम नेहरू की सरकार राष्ट्रीय बुर्जुआ है, प्रगतिशील बुर्जुआ है, और स्वतंत्र पार्टी वाले रिएक्शनरी सब निकल गए और थोड़े से रह गए हैं मुरारजी देसाई वगैरह, लेकिन नेहरू का धड़ा प्रगतिशील धड़ा है, ये इन कामों को कर रहा है, तो हमें इसका साथ देना चाहिए। जो कांग्रेस के प्रगतिशील नहीं साबित करता था, ऑब्जेक्टिवली वर्ग संघर्ष का नतीजा था, जिससे कि वस्तुपरत तौर पर इतिहास दो कदम आगे बढ़ा था, उसकी भी अस्वीकृति। रणदीवे की लाइन क्या थी, और उसके बाद रणदीवे ने कहा कि ये तो कांग्रेस का पुछल्ला बन गया था और अब हम लोग को क्रांति जल्दी करनी चाहिए। क्रांति जल्दी करने के लिए उन्होंने जनवादी क्रांति यानी राष्ट्रीय मुक्ति की मंजिल में ही समाजवादी क्रांति की मंजिल को भी फेंक दिया, कहा कि जनवादी क्रांति समाजवादी क्रांति दोनों एक साथ करनी है, और इकट्ठे जो जहां है वहां से लोक युद्ध छेड़ देना है, माने विद्रोह कर देना है। उस विद्रोह में ये थीसिस कहां से आई थी, ये भी बहुत दिलचस्प है। उस समय तक टीटो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन से निकाला जा चुका था। टीटो का एक पार्टी में एक थ्रेटिशियन था एडवर्ड कार्डेल। 48 में जब पार्टी की दूसरी कांग्रेस हुई थी तो उसमें यूगोस्लाविया की पार्टी के प्रतिनिधिमंडल बैठे हुए थे। एडवर्ड कार्डेल जी ने ये थीसिस दी थी कि जनवादी क्रांति और समाजवादी क्रांति की मंजिलों को मिला दिया जाना चाहिए, और बिना किसी तैयारी के रणदीवे ने कॉल दे दिया कि बहुत देर हो गई, बहुत पुछल्लावाद हो गया, अब सीधे क्रांति। उसमें साफ साफ कहा गया सर्कुलर में कि जो लोग जेल में हैं वो मच्छरदानी के डंडे और कलछुल और पतीले से जरूरत पड़ेगी तो लड़ेंगे। जेलों में भी संघर्ष हुए, भारी दमन हुआ और रणदीवे पीरियड में। और अब पार्टी की स्थिति क्या थी, संघात्मक ढांचा, डांगे और अजय घोष मुंबई में हमेशा इकोनॉमिज्म, मजदूरों के कुछ आनापाई बोनस वगैरह की लड़ाई से आगे कुछ नहीं, वो तो अपने हेडक्वार्टर में ही चलाते थे। रणदीवे सेक्रेटरी बने और रणदीवे ने लाइन दिया अल्ट्रा लेफ्ट, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, सीधे हथियार उठाओ, बगावत कर दो। इसी समय आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का संघर्ष जो था वहाँ पर, वही किसान कमेटियाँ 1.5 वर्षों तक शासन चला रही थीं। अभी नेहरू की फौज तो 1950 में गई, उससे भारी नुकसान हुआ। तो वो रणदीवे देश भर में चलने वाले किसान संघर्षों के रूप में तेलंगाना संघर्ष का विस्तार नहीं कर सकते थे। तो उस दौर में कहा जाए कि उसके बाद उसका बहुत नुकसान हुआ, और मई 1948 में कांग्रेस के कुछ दिनों बाद आंध्र प्रदेश के लोगों ने एक थीसिस दी जो आंध्रा थीसिस नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने पहली बार कहा कि भारत की क्रांति की परिस्थितियाँ, चीन से में जो क्रांति विजय के एकदम करीब पहुँची हुई है उससे मिलती जुलती परिस्थितियाँ हैं। इस पर काफ़ी बहस हुई और रणदीवे ने कहा कि वो माओ एक टीटो पंथी गद्दार है। टीटो के हाल पार्टी को हालांकि 48 में खुद ही बुलाए थे, वो एक पीजेंटिस्ट है, वो कम्युनिस्ट है ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी पार्टियों के हिसाब से आँख मूंद कर चलने की वो क्या थी कि वो रणदीवे की लाइन में, आपके इस लखनऊ शहर में भी एक आध बुद्धिजीवी थे, एक प्रोफेसर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कुछ लोगों ने, जो लोग इस लाइन पर सवाल उठाते थे रणदीवे के, और तुरंत गद्दार और पुलिस के एजेंट घोषित कर दिए जाते थे। बहुत उसकी परिणतियाँ बहुत भयंकर हुई थी। इसी बीच 1949 में चीन की क्रांति संपन्न हो गई और 1950 में कोमिन फॉर्म के का जो पेपर निकलता था उस समय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1942 में भंग हो गया था। वो एक अलग से सवाल है जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे कि क्या ये निर्णय सही था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का भंग किया जाना, और कम्युनिस्टों के आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कोमिन फॉर्म का निर्माण किया गया था। कोमिन फॉर्म के पेपर में एक लेख छपा कि चीन की नौ जनवादी क्रांति एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के उत्पीड़ित देशों, गुलाम देशों, अर्ध गुलाम देशों में चीन की नौ जनवादी क्रांति का रास्ता, जो प्रोटेक्टेड पीपुल्स वार, छापामार लड़ाई, फिर चलायमान युद्ध, फिर मोबाइल वारफेयर, गांव से शहरों को घेरते हुए राजधानी तक पहुंचना और कब्जा करना, न कि रूस जैसा एक पूरी तैयारी भूमिगत सडन अटैक कैप्चर, दो रास्ते हैं, समाजवादी क्रांति का रास्ता
उन्नत राज्य सत्ता के विरुद्ध, जिस राज्य सत्ता का विस्तार सामाजिक अवलंब अधिक होता है, जो आधुनिक होती है, वो आम बगावत के द्वारा हो सकता है, और एक पिछड़ी हुई राज्य सत्ता के विरुद्ध दीर्घकालिक लोकयुद्ध का रास्ता, जिसकी थीसिस विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में माओ ने विकसित की। तो पहली बार कोमिनफर्म ने यह बात लिखी, और कोमिनफर्म के ये बात लिखने के साथ दो थ्रेटिशियन थे, बाला बुशोविच और जुकोव, एक मार्शल जुकोव थे और थ्रेटिशियन जुकोव थे सोवियत पार्टी में, उन लोगों ने दो लेख लिखे। दो लेखों में उन्होंने जो है इस तरीके की जनवादी क्रांति के इस रास्ते के बारे में लिखा, और ये चंद महीनों की बात है। चंद महीनों में ये तीन मटेरियल इंटरनेशनल कम्युनिस्ट प्रेस में आया, और तुरंत रणदिवे हटा दिए गए, और तुरंत हटा करके राजेश्वर राव, इसलिए कि आंध्रा वाले लोग ये बात पहले से कह रहे थे, तो आंध्रा के लीडर थे राजेश्वर राव, राजेश्वर राव सेक्रेटरी बना दिए गए। राजेश्वर राव सेक्रेटरी तो बना दिए गए, लेकिन काडर तो कन्फ्यूज, इसलिए कि ये जो वैचारिक संघर्ष था, ये अपने अनुभवों से संगठन में ऊपर से नीचे तक नहीं चल रहा था। ऊपर से कोई बात कही जा रही थी, नेतृत्व तो समझ जा रहा था, नेतृत्व तो चीज़ों को ठीक कर ले रहा था, पार्टी पूरी कंफ्यूज रहती थी। तो पार्टी के लिए किसी लाइन को सही करने का कोई मतलब होता ही नहीं था, इसलिए कि पार्टी में लंबे सैद्धांतिक संघर्ष से वो चीज़ ठीक नहीं होती थी, वो तो कहीं से आती थी। जब वो कहीं से आती थी तो चीज़ें ठीक हो जाती थी, लेकिन चूंकि अंदर तो जो पार्टी के भीतर जो काम था उसमें उस तरीके का काडर में काम नहीं था, तो काडर कन्फ्यूज थे पूरी तरीके से। इसी समय यूरोप की कुछ पार्टियों में राइट डेविएशन पहले से मौजूद रहा है। जब पार्टियां अभी पूरी तरीके से ख्रुश्चेव वाली लहर नहीं आई थी, तो ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो ने एक लेटर लिखा, और रजनी पामदत्त जो ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के थे, भारतीय थे और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को राय दिया करते थे, उन्होंने एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोगों को अभी सशस्त्र संघर्ष के रास्ते पर बल नहीं देना चाहिए, और पूरी दुनिया में शीत युद्ध की परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में सोवियत संघ के हाथों को मजबूत करने के लिए हमें विश्व शांति आंदोलन को मजबूत करना चाहिए, और नेहरू की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि नेहरू की सरकार कोरिया के जन युद्ध का समर्थन करे। तो ये फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से एक देश के भीतर जो क्रांतिकारी संघर्ष चल रहा था उसको निर्धारित करना, विश्व शांति आंदोलन एक ज़रूरत थी, लेकिन ये सोवियत पार्टी या स्टालिन का या किसी का ये कहना नहीं था कि इसके लिए दुनिया में जो क्रांतियां चल रही हैं उसको रोक दिया जाए, इसलिए कि नौ स्वाधीन देशों का जो बुर्जुआ वर्ग था, नेहरू वगैरह आगे चल करके उसमें जितने लोग आए, क्वामे नक्रुमा, नासिर, अम्बेडकर कबराल, सुकर्णो, ये लोग अपने कारणों से साम्राज्यवाद से ब्रीदिंग स्पेस लेने के लिए सोवियत संघ के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे थे, कई साम्राज्यवादी ताकतों के बीच भी बार्गेन कर रहे थे, जिससे कि इन्हें बेहतर शर्तों पर टेक्नोलॉजी मिले, इनके आर्थिक शर्तों विकल्पों का विस्तार हो। इन्हीं लोगों ने निर्गुट राष्ट्र आंदोलन का निर्माण किया बाद में चल करके, जिसको चीन की पार्टी ने भी कहा कि यह एक प्रगतिशील मंच है। बांदुंग कॉन्फ्रेंस से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो उस समय जो विश्व शांति आंदोलन में भी नेहरू की सरकार और तमाम ऐसी सरकारों की भूमिका ये थी कि शांति आंदोलन में ये लोग भूमिका निभाएं। पाब्लो नेरुदा विश्व शांति आंदोलन के ही दूत बन करके आए हुए थे यहाँ पर, और उन्होंने बहुत लिखा है कि मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, नेहरू बड़ा सूखा किस्म का आदमी है, इसलिए उस समय तेलंगाना संघर्ष चल रहा था, और नेहरू तो कम्युनिस्टों से खार खाए हुए थे, उनको लोगों ने बताया कि ये कम्युनिस्ट कवि है चिले का, वो विश्व शांति आंदोलन के दूत बन करके भारत आए हुए थे, तो उनका बड़ा बिटर एक्सपीरियंस था। उस दौर की एक दिलचस्प घटना है, तो 1951 ये 50 में कहा जाए कि ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी एक संदेश दिया, लुब्बे लुबाब ये कि 1951 में पार्टी ने बिना किसी शर्त के तेलंगाना संघर्ष को वापस ले लिया। कहा जाए कि नहीं, तेलंगाना संघर्ष तो सेना के दमन के बाद कमजोर पड़ गया था, तो दीर्घकालिक लोकयुद्ध में 50 बार ये चढ़ाव उतार आते हैं,
जैसे चीन की पार्टी ने कई मुक्त क्षेत्रों को छोड़ा, कई मुक्त क्षेत्र एक इलाके से दूसरे इलाके तक मार्च करते हुए लॉन्ग मार्च अपनी 70% ताकत को खो दिया, चिंगकांगशान के पहाड़ों को छोड़ा शुरू में, तो ये लड़ाई आगे पीछे चलती है। एक मुक्त क्षेत्र छोड़ करके दूसरी जगह शक्तियाँ बिखरा दी जाती हैं, छापामार युद्ध की एक टेक्निक है। तो उस समय ये ठीक है कि सेना के दमन ने आंदोलन को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन नेहरू ये पार्टी ने जो फैसला लिया वो फैसला सीधे सरेंडर का था, और उसमें ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो राय दिया था कि विश्व शांति आंदोलन को मजबूत किया जाए और आने वाले चुनावों की तैयारी की जाए। 52 में चुनाव था और 51 में पार्टी पूरी तरीके से ओपन, जेल से भी कुछ दिनों बाद धीरे धीरे लोग छूटते रहे, सुदूरवर्ती जंगल क्षेत्रों में जो छापामार पहुंच गए थे उन तक सरेंडर की सूचना बहुत बाद में मिली, तो 6-8 महीना देर तक वो लड़ाई चलाते रहे। उसके बाद पूरी पार्टी एक ट्रेड यूनियन की 54 मेंबरी, राजधानी में हेडक्वार्टर, और एकमात्र मकसद चुनाव लड़ना, और चुनाव के लिए सोशल सपोर्ट बेस अगर चाहिए तो किसका, कम्युनिस्ट पार्टी को तो भाई मजदूर वोट देंगे, मजदूर को बोनस की, ओवर टाइम की, कुछ लड़ाइयाँ तनख्वाह बढ़ाने की, आर्थिक लड़ाइयाँ मजदूर वर्ग की, धीरे धीरे पार्टी मजदूर वर्ग की राजनीतिक शिक्षा, मजदूर वर्ग में राजनीतिक कार्य, मजदूर वर्ग को उसके ऐतिहासिक मिशन की याद दिलाने के लिए इसकरावादी प्रयोग, यानी कि मजदूर वर्ग का राजनीतिक अखबार, ये सारी चीज़ें पहले भी नहीं थी, बेहद कमज़ोर थी, अब घोषित तौर पर छोड़ करके पार्टी एक चुनावपंथी पार्टी के क्या, यानी कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को एक बात का श्रेय दिया जा सकता है कि दुनिया में क्रुश्चेव के आने के बाद एक पार्लियामेंट्री पाथ की लहर 56 के बाद आई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी है कि यह ट्रेंड सेटर काम उससे ही पहले कर दिया था, और क्रुश्चेव के आने के बाद 1958 में अमृतसर के स्पेशल कांग्रेस में केवल उसको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की प्राप्ति हो गई। तो 51 से कहा जाए कि 51 डिपार्चर था, इसके पहले कमजोरियाँ थी, ऐतिहासिक भूले हुए 5 वर्षों के क्रांतिकारी संक्रमण के मौके को चूका गया, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि यह पार्टी एक सर्वहारा वर्ग की पार्टी, एक बेहद कमज़ोर पार्टी थी आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि यह पार्टी कम से कम मजदूर वर्ग की एक पार्टी नहीं है, एक मजदूर वर्ग की पार्टी थी। 51 के बाद हम कह सकते हैं कि वो एक संशोधनवादी पार्टी थी, और संशोधनवाद की जो लेनिन ने परिभाषा दी कि संशोधनवाद का मतलब होता है कि समाजवाद का मुखौटा और अंतर्वस्तु पूंजीवाद, तो वो अगर कहा जाए 51 के पहले की गलतियों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन आउटराइट खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पार्टी के भीतर की 2-3 घटनाओं की चर्चा करेंगे। अब पार्टी के भीतर 2 ब्लॉक्स थे, उनके भीतर संशोधनवाद की ज़्यादा नरम और ज़्यादा गरम लाइन का संघर्ष था। एक ब्लॉक डांगे, भवानी, मोहित सेन, भूपेश गुप्ता, गंगाधर अधिकारी, दामोदरन वगैरह का था। इनका कहना था कि जो भारत में साम्राज्यवाद, डीकोलोनाइजेशन, साम्राज्यवाद से मुक्ति और लैंड रिफॉर्म का काम है, सामंतवाद को धीरे धीरे ख़त्म करने का काम वो नेहरू की सरकार कर रही है, तो राष्ट्रीय जनवादी क्रांति का काम नेहरू की सरकार राष्ट्रीय बुर्जुआ है, प्रगतिशील बुर्जुआ है, और स्वतंत्र पार्टी वाले रिएक्शनरी सब निकल गए और थोड़े से रह गए हैं मुरारजी देसाई वगैरह, लेकिन नेहरू का धड़ा प्रगतिशील धड़ा है, ये इन कामों को कर रहा है, तो हमें इसका साथ देना चाहिए।